अर्जुन जो थे ये बासु के दरबार में गतौंगा थे। बासुक ने जैसे ही देखा है तो बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया, बड़ा आदर सत्कार किया। थोड़ी देर बैठे रहे, उसके बाद में बासुक ने एक बात कही है, महाराज मेरी एक इच्छा है। क्या? जवाब दिया है, हमारे जो पत्नी है उनके गर्भ है और तुम्हारे जो पुत्र की पत्नी है वो भी गर्भवती। इच्छा मेरी ये है, बासुक बोले मैं तुम्हें बताऊं कि गर्भ हो दिया। महाराज हमारी इच्छा ये है, हम लोग यहां पर गर्भ की बाजी खेले, बोले शर्त क्या रहेगी? बासु कहते हैं देखो, हारने वाले के घर में अगर लड़की पैदा हुई और जीतने वाले के घर में लड़का हुआ तो उसका विवाह करना पड़ेगा। अर्जुन बोले महाराज अगर दोनों घर में लड़की लड़की पैदा हुई तो? जवाब दिया, तो जीतने वाले की लड़की की जब शादी होके जाएगी तो हारने वाले की लड़की उसकी दासी बन के जाएगी। अर्जुन बोले अगर दोनों घर में लड़के ही लड़के हुए तो? फिर तो जीतने वाले का जो लड़का होगा ना, हारने वाले का लड़का उसका सेवक बन के जाएगा। कहा ठीक है। बासुक ने अपने हाथ में जब फांसे उठाए, हुआ क्या? जाके कोटे पर गए तीन लेके हृदय में आया रे, पासे पार्थिव उठाई की दये चलाई सुमेरी हर प्यारे, जग पूरे बारे बड़े बड़े मतवारे, कहने का मतलब मेरा ये है, बासुक जो है ये अर्जुन से जब हार जाते हैं चेहरा बड़ा उदास हो गया, एक बात सोची है मैं तो हार गया और देवयोग से अगर हमारे घर में कहीं बेटी पैदा हुई अरे तो हमें विवाह भी करना पड़ेगा, क्या करें?
अर्जुन जो थे ये अपने घर पर चले आए, बस अपने महलों के अंदर पहुंचे, लेकिन इसी बात को सोच सोच करके इनका चेहरा बड़ा उदास था। महलों के अंदर जब पहुंचे हैं, उधर बासु की पत्नी ने जैसे ही अपने पति को आता हुआ देखा, प्रिय भाग के सामने आई, देर नहीं की। पत्नी ने जब देखा तब अरे वासु की पत्नी ने जैसे ही देखा भाग करके सामने आई है।